Have a nice student. Today we take differential equation. और differential equation के तो लगभग अब हर तरह के question हो चुके हैं. Last question है आपका homogeneous function. Homogeneous function में क्या खास बात है इसको आप आगे समझिए, क्योंकि दो तरह के क्वेश्चनों में बहुत डाउट हो जाता है कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या होमोजीनियस का. तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज होते हैं कि जो क्वेश्चन या प्रॉब्लम दिया गया है वो प्रॉब्लम कौन सा है, होमोजीनियस है कि लीनियर इक्वेशन. सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो डाउट रहेगा तो आप मानसिक तनाव पे आ जाएंगे, है ना, कि इसमें ये कैसे पहचानेंगे. बहुत बच्चे तो बिल्कुल क्लियर जानते हैं कैसे पहचानेंगे, पर कुछ बच्चे क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, एक्सरसाइज उठाए और उस एक्सरसाइज में पूरे होमोजीनियस के क्वेश्चन रहते हैं तो बस उसको लगा लिए, है ना. सब कुछ जानते हैं पर मेन की पता कैसे लगाएंगे ये नहीं जानते, और कुछ बच्चे जानते हैं, है ना. तो इसके लिए होमोजीनियस फंक्शन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों के ही क्वेश्चन लगभग सेम दिखते हैं. तो इन दोनों को हम कैसे चेक करेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा कि ये होमोजीनियस. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो कंडीशन हमने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि यदि वो लीनियर इक्वेशन है तो उसको किस तरह से बनाना है, और अब होमोजीनियस है तो उसको किस तरह से बनाना है. तो यदि आप दोनों की कंडीशन अच्छे से जान गए हैं कि यदि होमोजीनियस है तब हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और लीनियर इक्वेशन है तब हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए होमोजीनियस फंक्शन में ये इसकी डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है. होमोजीनियस फंक्शन की मेन डेफिनेशन ये वाली है, है ना. फिर इसी से होमोजीनियस इक्वेशन बना. तो एक फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन. यदि कोई फंक्शन है और उसमें जो भी वेरिएबल दिया जाए, दो तरह के वेरिएबल होंगे, है ना, एक्स वाई, आगे का तो है ही नहीं सिलेबस में, पर इसका मेन सिद्धांत है कि जो जिसका भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं उसमें जो भी फंक्शन होंगे उन फंक्शनों की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, तभी वो होमोजीनियस फंक्शन माना जाएगा. तो इसकी पहली स्टेप है कि उसकी डिग्री आप चेक कर लीजिए. यदि होमोजीनियस फंक्शन का क्वेश्चन है तो उसकी डिग्री सेम ही आएगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन दिया जाता है उसमें एक कांस्टेंट की कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं. कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी आपको मन पड़े. बुक में जैसे दे देता है स्टैंडर्ड वेरिएबल दे देता है मल्टीप्लाई के लिए, जैसे म्यू दे दिया, लैम्डा दे दिया, अल्फा बीटा गामा, इस तरह से वो यूज करता है. तो ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ एफ. ये देखिए, जैसे ये फंक्शन दिया है तो इस फंक्शन को आप यदि होमोजीनियस पता लगा रहे हैं तो इसी फंक्शन में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए. जैसे हमने यहाँ पे लैम्डा ले लिया है, है ना, एक कांस्टेंट हमने ले लिया है लैम्डा, और उस लैम्डा का एक्स वाई में इंटू कर दिए है, इसमें भी के इसमें भी. तो इसमें जो लैम्डा है उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए. एक्स वाई में जैसे हमने लैम्डा की वैल्यू लैम्डा का मल्टीप्लाई किए तो लैम्डा की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, है ना. लैम्डा कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा. तो इसमें ये देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया होमोजीनियस फंक्शन का पता लगाने के लिए. बस इतना ही है कि आप लैम्डा का मल्टीप्लाई कीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक दो लाइन में हो जाता है, और तुरंत चेक कर लीजिए कि लैम्डा की जो वैल्यू है एक्स और वाई दोनों की वो सेम है कि नहीं. जैसे मान लीजिए एक्स में आप लिए तो लैम्डा की वैल्यू आई है लैम्डा स्क्वायर, तो वाई की भी जो कांस्टेंट वैल्यू आए लैम्डा वो भी लैम्डा स्क्वायर आए, तो मान लीजिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्वेश्चन.
यदि दोनों डिफरेंट है, एक में लैम्डा है एक में लैम्डा स्क्वायर, तो मतलब वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, है ना। ये अब वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो क्या हो सकता है, जितना आप पीछे पढ़ चुके हैं उसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है, सेपरेबल फॉर्म हो सकता है या कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। तो होमोजीनियस फंक्शन भी एक प्रकार का सेपरेबल फॉर्म ही है, पर शुरू में उसको चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि सेपरेबल फॉर्म इसमें आसानी से नहीं बदलता है। उसको सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए हम वाई बराबर भी एक्स ले लेते हैं, तब वो सेपरेबल में बनता है। तो जैसे ये देखिए, अभी इसमें आ जाइए, डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई। तो अब ये होमोजीनियस यदि है तो इन दोनों में हम लैम्डा का यदि इंटू करेंगे और इंटू के बाद उसको कॉमन ले लें या जो भी सिंप्लीफाई करें, तो दोनों फंक्शनों का लैम्डा सेम होना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये इफ एफ वन एक्स वाई एफ टू एक्स वाई आर होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई ऑफ द सेम डिग्री इज कॉल्ड ए होमोजीनियस इक्वेशन। स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि दो फंक्शन दिए गए हैं और दोनों ही फंक्शन यदि होमोजीनियस हैं तो उसमें एक्स वाई की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। तो डिग्री सेम होनी चाहिए का मतलब यही है कि हम उसको चेक करने के तरीके में इनकी डिग्री, जैसे डायरेक्ट तो आपको मिल नहीं जाएगा कि डायरेक्ट आप उसको होमोजीनियस मान ले, कोई ना कोई मेथड होगी उसको चेक करने के लिए, तो वो मेथड जो अभी समझाए वो। अब जैसे क्वेश्चन लिए एग्जांपल के तौर पे कि इसमें ये फंक्शन दिए, तो इस ये फंक्शन आपका जो दिया गया है दोनों लिए हैं, देखिए यहाँ थोड़ा हम कास नहीं लिखे हैं, कास लिखना चाहिए, इसमें कास वाई अपान एक्स है, ये कास वाई अपान एक्स। तो देखिए एक वेरिएबल फॉर्म ले लिए हैं, एक वेरिएबल तो है रेशनल एक्सप्रेशन और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, बस इतना ही तो रहता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए इसी को हम दे दें कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो ये जो क्वेश्चन है तो आगे आप इसको चेक करेंगे, है ना, कि ये होमोजीनियस बन रहा कि नहीं बन रहा। तो इसमें देखिए दो फंक्शन है एक्स और वाई, तो x में और y दोनों में हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। लैम्डा की वैल्यू हम क्या बताए हैं कि लैम्डा की वैल्यू हमेशा सेम हो जानी चाहिए। तो जैसे हम इसको बताते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट, अभी हम आपको सिर्फ इसमें एग्जांपल के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप होमोजीनियस का क्वेश्चन चेक कैसे करेंगे जो भी दिया गया है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया मान लीजिए, अब आपको डाउट है कि ये होमो बनेगा कि डिफरेंशियल बने, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, इसको चेक कर। तो ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिए एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस सेवन वाई स्क्वायर। अब इसमें हम एक लैम्डा का कांस्टेंट की लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, ये है ना लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो लैम्डा एक्स के स्थान पे हम क्या ले रहे हैं, लैम्डा एक्स, ये हो गया थ्री, एक्स के स्थान पे हमारा लैम्डा एक्स है और वाई के स्थान पे लैम्डा वाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स वाई वो सेम ही रहेगा, लैम्डा ही रहेगा, यानी ऐसा ना रहेगा कि एक में लैम्डा लिए एक में कुछ और ले लिए, सेवन लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, सेवन लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो y स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर थ्री एक्स वाई प्लस सेवन वाई स्क्वायर, ये आएगा। तो ये देखिए लैम्डा है, ये
ये देखिए इसमें x में भी रखे y में भी, तो दोनों में ही y स्क्वायर है तभी तो हम कॉमन ले लिए। तो इन दोनों में x और y दोनों का कांस्टेंट लैम्डा स्क्वायर ही है, इसलिए ये जो फंक्शन दिया गया है ये होमोजीनियस फंक्शन है ना, कॉमन से यदि पूरा। हाँ ध्यान रखिए, बहुत बच्चे ये सोच सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर के स्थान पे कॉमन तो लिए लैम्डा स्क्वायर, पर हो सकता है काल लैम्डा बच जाए, बचना नहीं चाहिए। मान लीजिए ये सिंगल है पर अपान में होता तो कट जाए, मान लीजिए इतना ही है तो पूरे में से लैम्डा आपका बाहर हो जाना चाहिए, तभी माना जाएगा कि इसकी डिग्री सेम है। फिर ये तो अब आप समझ में आ गया होगा, तो ये आपका हो गया होमोजीनियस फंक्शन। इस तरह से चेक करते हैं कोई भी क्वेश्चन, बस आपको यही लेना है x में और y में दोनों में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही वैल्यू रख दीजिए। पर ये ध्यान रखिएगा कि x के स्थान पे लैम्डा x रखना है और y के स्थान पे लैम्डा y, ऐसा नहीं कि लैम्डा ऐसे लिख दे। यहाँ कहने का मतलब हमारा ये है कि x के स्थान पे ये रखिए, y के स्थान पे ये रखिए, ऐसे नहीं कि लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिए तो लैम्डा x स्क्वायर लिखे, इस तरह से नहीं चेक करना। x प्लेस में ये रखना है और y प्लेस में ये रखना, तब चेक करना है। अब जैसे मान लीजिए हम दूसरे को चेक कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन चेक कर रहे हैं इसको, इस वाले को, तो इसमें एक्स वाई लिए, एक्स के स्थान पे एक्स वाई, सॉरी लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो एक्स के प्लेस में लैम्डा एक्स रखना, वाई के प्लेस में लैम्डा वाई, तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई कॉस लैम्डा वाई लैम्डा एक्स। ये देखिए यहां से ये कैंसिल हो गया, तो मतलब ये कि लैम्डा की डिग्री सेम है। लैम्डा यदि हट गया है या लैम्डा कॉमन लेंगे तो भी कट जाए, तो यहां लैम्डा बची ही नहीं, मतलब डिग्री सेम है लैम्डा की, तो इसलिए ये भी क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, या तो लैम्डा बचे नहीं माने पूरा कट जाए, और यदि बचे तो उसकी डिग्री सेम हो, तभी आपका वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन माना जाएगा। तो अब आपको होमोजीनियस फंक्शन समझ में आ गया होगा कि हम चेक कैसे करेंगे, आगे भी बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे, तो कुछ क्वेश्चनों में लेके बताएंगे कि इसको आप ऐसे चेक कर लीजिए। तो ये हुआ, अब इस तरह से अब हम आपको लैम्डा होमोजीनियस फंक्शन कैसे चेक करेंगे ये अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो अब हम लेते हैं होमोजीनियस फंक्शन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अब देखिए अगली स्टेप, होमोजीनियस फंक्शन के हम प्रॉब्लम लेने वाले थे पर उसमें मेथड भी बताना जरूरी था, शुरू में चेक बता दिए, अब मेथड क्या है होमोजीनियस। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने आगे मेथड आपको बताए थे कि वो कैसे काम करता है। ये देखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है उसको चेक कीजिए, माने एक्स वाई के स्थान पे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखिए, है ना। तो इससे तो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि फंक्शन होमोजीनियस का है कि नहीं, यदि है तो इस स्टेप में काम करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे ए भी ले सकते हैं, ए एक्स ए वाई इस तरह से भी, तो एक्स वाई में एक्स के प्लेस में लैम्डा एक्स और वाई के प्लेस में लैम्डा वाई रखते हैं, और यदि लैम्डा की डिग्री सेम है या लैम्डा पूरा कट जाता है तो मतलब कि जो फंक्शन दिया गया है वो होमोजीनियस। तो यदि फंक्शन होमोजीनियस है तो अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन दिया गया है, जो इक्वेशन दिया गया है, उसमें हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, माने y के स्थान पे हम वी एक्स रख देंगे, है ना। तो जब हम y बराबर वी एक्स लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इस y इक्वल टू वी एक्स को, तो ये आएगा।
तो कहने का मतलब कि उस इक्वेशन में y के स्थान पे vx रखेंगे और dy dx के स्थान पे ये वैल्यू पूरी रखेंगे, है ना। ये इसकी पहली स्टेप है, ये चेक करने के बाद ये दूसरी स्टेप है। तो दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, y के स्थान पे vx रखेंगे और dy dx के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे, है ना। इतना करने के बाद हमने यहाँ लिख भी दिया है कि ये जो वैल्यू निकाले हैं तो y और dy dx के स्थान पे y और dy dx की वैल्यू रखेंगे, माने y के स्थान पे ये dy ये तो ये स्टेप तो एक प्रकार से इसी की हो गई। फिर चौथी स्टेप में जब हम y बराबर vx और dy dx की वैल्यू रख देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सेपरेबल फॉर्म में बनाएंगे, है ना। सेपरेबल फॉर्म तो पढ़ा दिए हैं, तो जो सेपरेबल फॉर्म पढ़ाए थे वो तो सीधे सीधे बन गया था, दोनों में यही अंतर है, क्वेश्चन वहां भी सेम दिखता है, है ना। जैसे सेपरेबल फॉर्म में भी बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट हो सकता है कि ये सेपरेबल है कि नहीं, तो ध्यान रखिए होमोजीनियस फंक्शन में बहुत ज्यादा धोखा होता है, क्योंकि जितनी तरह से आप पढ़ चुके हैं उसमें ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और दिखने में बिल्कुल सेम दिखता है जिस तरह आप पढ़ते आए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन, यदि हाँ आप पहले से डन है, क्लियर है, आपको पढ़ा पढ़ाया फंस गया तब तो कोई बात नहीं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन फंसा जिसको आप डाउट में आ गए कि हम इसको किस फॉर्म में लगाएं, लीनियर में लगाएं कि सेपरेबल है, और कोशिश भी करने लगते हैं कहीं लीनियर बनाएंगे कहीं सेपरेबल बनाएंगे, तो सबसे पहला काम है कि उसका आप होमोजीनियस जरूर चेक कर लीजिए, लैम्डा या जो भी कांस्टेंट की वैल्यू रख के चेक कर लीजिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जब आप होमोजीनियस क्लियर कर लेंगे तो दो ही तरह के क्वेश्चन बचेंगे, या तो सेपरेबल बचेगा या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आसानी से हम लोग कर लेते हैं सर। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन को हम सेपरेबल फॉर्म में बनाएंगे। तो सेपरेबल फॉर्म मतलब कि एक्स x को dx dx एक साइड हो जाना चाहिए, dy एक साइड हो जाना चाहिए, या x वेरिएबल एक साइड हो जाना चाहिए, y वेरिएबल एक साइड। तो इसमें चूंकि v और x फॉर्म में बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि y को तो हम एलिमिनेट कर दिए, अब y के स्थान में vx आ रहा, माने v को एक साइड कर लेना है, x को एक साइड, ये सेपरेबल फॉर्म में हो जाए। सेपरेबल फॉर्म में बनने के बाद पूरी प्रॉब्लम सेपरेबल की ही हो जाती है ना, जैसे अभी तक सेपरेबल फॉर्म करते थे उसी के अनुसार इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो जब सॉल्व करें मेरे सेपरेबल आ जाए तो क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, इंटीग्रेट करने के बाद आपको आंसर ही मिलेगा। जब क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर दिए तो मतलब आपका आंसर फाइनल हो गया, लेकिन आपका क्वेश्चन चूंकि एक्स वाई वेरिएबल में दिया है इसलिए लास्ट में भी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, भी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स रख देंगे, तो आपका फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ये थी इसकी मेथड, है ना। तो अब आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम कुछ इसी से संबंधित प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम आगे सिंपल ही लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ेंगे। अब जैसे स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा गया। अब ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डाउट में आ सकते हैं आपकी, ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, है ना। बिना पहचाने तो आप इसमें लगा नहीं सकते हैं, है ना। बहुत बच्चे इसमें टिक भी बनाए रहते हैं कि ये इंटू से है तो होमोजीनियस ही होगा, एक्स वाई जैसे इंटू में है तो होमोजीनियस ही होगा, लेकिन टिक कहीं कहीं काम नहीं करती है ना, परफेक्ट टिक नहीं है ये तो आप अपने से बना लिए हैं कि एक्स वाई है तो होमोजीनियस ही बनेगा। आपको जो नॉर्मल मेथड है वो वही यूज करना चाहिए। तो जैसे आपको आगे हम इसको चेक करना बताते हैं, तो इसको जैसे चेक करेंगे कि यदि ये होमोजीनियस है तो लैम्डा की डिग्री सेम आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो चेक करेंगे ध्यान रखिए आपका रफ वर्क है, तो इसमें जैसे हम चेक किए तो एक्स के स्थान पे हम क्या रखेंगे, लैम्डा एक्स, तो थ्री लैम्डा एक्स, वाई के स्थान पे लैम्डा वाई,
फिर लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अभी जो बताया कंडीशन उसी को फॉलो कर दो, 3 लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर। ये अब इस ये आ गया आपका लैम्डा, तो ये आया 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लैम्डा कॉमन ले लीजिए, लैम्डा स्क्वायर 3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर, ये देखिए कट गए, तो लैम्डा इसमें कैंसिल हो गया, कहीं बचा ही नहीं, मतलब कि ये होमोजीनियस है। अब मान लीजिए बचता भी है तो ऊपर यदि लैम्डा बचा है तो फिर नीचे भी बचना चाहिए, माने लैम्डा की डिग्री सेम ही होना चाहिए, या तो बिल्कुल कट जाना चाहिए या दोनों जो भी लैम्डा बच जाए तो वो सेम हो जाना चाहिए। तो ये देखिए ये होमोजीनियस है, ये आप तुरंत चेक कर लिए, अब आप क्लियर हो गए कि होमोजीनियस है, तो मतलब लगाना भी हमको होमोजीनियस की कंडीशन पड़ेगी, दूसरी कंडीशन से ये आपका आसान नहीं होगा। तो ये रफ वर्क आपका हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को चेक कर लिए कि ये क्वेश्चन होमोजीनियस का ही है, अब डन हो गया। तो अब हम जो प्रोसीजर बताए उसको लगा दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, लेट y बराबर वी एक्स, यही स्टेप बताए थे कि आगे चेक कर लीजिए, फिर यदि होमो है तो वो कंडीशन लगा दीजिए इसको। तो यहां पे वी बराबर वाई अपॉन एक्स, वी की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स ये आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है यहां पे रख देना, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए या जो भी आपको मानना हो, तो y के स्थान पे ये रखना है, dy dx के स्थान पे ये, तो dy dx के स्थान पे ये वाली वैल्यू हमारी क्या ये आई है, यहाँ रख देना है, y की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, तो इसको यहाँ रख देना है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx 3x, y के स्थान पे v x लिख दिए, फिर y के स्थान में भी x, ये 3x स्क्वायर ये आया। तो y के स्थान पे भी x और dy dx के स्थान पे ये इक्वेशन फर्स्ट में भी। अब हम इसको ये काम तो कर दिए, फिर इसके आगे स्टेप हमने आपको क्या बताया, आगे की स्टेप ये बताया कि जब आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो उसके बाद इसे सेपरेबल फॉर्म में बनाइए, माने भी एक साइड हो जाना चाहिए, एक्स एक साइड। अब यहां पे आप अपना तरीका अपना सकते हैं, आपको सेपरेबल बनाना है तो हर एक स्टूडेंट अलग ढंग से बना सकता है, वो सिंप्लीफाई का तरीका सभी का अपना पर्सनल होता है। तो हम इसमें कैसे कर रहे हैं इसको देखिए, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसमें देखिए इसको तो 3x स्क्वायर भी हो गया, ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर ये आया, इसमें से हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो ये आया 3v प्लस वी स्क्वायर। आप चाहें तो वी भी कॉमन ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, 3x स्क्वायर। तो इसमें देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब ये भी है तो हम उधर की ये दे रहे हैं, तो x dv अपॉन dx इक्वल टू 3v प्लस v स्क्वायर अपॉन 3 माइनस v, ये वैल्यू उधर कर दिए। तो ये देखिए इधर तो पूरा भी हो गया, पर ये dv भी ले जाना पड़ेगा, तो ये देखिए इसको यदि हम उधर ले जाते हैं तो ये x अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, यहां किए दे रहे हैं ये,
यहीं पे दे रहे हैं, देखते हैं यदि नहीं आएगा वीडियो में यहीं करते हैं। तो x dv अपॉन dx इक्वल टू 3v प्लस v स्क्वायर माइनस 3v अपॉन 3 एलसीएम से ये आ जाएगा। तो ये आएगा आपका, ये इससे कैंसिल हो गया। तो x dv अपॉन dx इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 3। तो अब देखिए, अब यहां से आप सेपरेबल फॉर्म बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब सेपरेबल फॉर्म बनाइए तो आगे क्वेश्चन को जितना सिंपलीफाई हो सके, आपसे जितना सही सही बने उतना सिंपलीफिकेशन कर लेना चाहिए, है ना। जितना आप सिंपलीफाई कर लेंगे क्वेश्चन उतना छोटा बनेगा और सेपरेबल फॉर्म उतना जल्दी बनेगा। शुरू से ही ले लेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन कहीं उलझ जाए या कहीं गलत कर दें आप। तो ये देखिए, ये x के साथ ही x होना चाहिए, तो हम इसको तो ऐसे ही लिखेंगे। ये वैल्यू इधर जाएगी तो डिवाइड में है तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, माने ये 1 अपॉन dv हो जाएगा, है ना। तो चूंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल तो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, तो निश्चित है कि दोनों नंबर इसी प्रोकल भी कर सकते हैं। माने इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स डी एक्स, माने इसी प्रोकल हो गया। और इसी तरह से ये हो जाएगा 3 अपॉन वी स्क्वायर डी। अब देखिए, ये सेपरेबल फॉर्म आपका बन गया। जब सेपरेबल फॉर्म बन जाए तो उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, बहुत सारे इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड। ये तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 3 भी को हम ऊपर किए ले रहे हैं भी माइनस 2 डी वी, तो इसका तो लॉग एक्स आ जाएगा और इसका भी ये 1 अपॉन 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस सी। तो आपका इंटीग्रेशन यहां कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सही ढंग से लिख लीजिए, तो लॉग एक्स इक्वल टू 3 अपॉन वी प्लस सी, ये लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अरे सॉल्यूशन तो आ गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो लास्ट में भी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स लिख देना। ध्यान रखिए, ये वैल्यू एकदम लास्ट में रखना जब आपका इंटीग्रेशन हो जाए। तो लॉग एक्स इक्वल टू 3 वाई अपॉन एक्स प्लस सी, क्योंकि भी बराबर वाई अपॉन एक्स होता है, तो लॉग एक्स 3 एक्स अपॉन वाई प्लस सी, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। माइनस साइन यहां देखिए हमसे छूट गया है, ये माइनस में है, ये माइनस साइन था तो यहां ये माइनस लग गया है। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब इसको लिखने का तरीका आप और भी ढंग से लिखना हो, जो भी जैसा करना हो उस तरह कर सकते हैं। जैसे 1 अपॉन 3 लॉग कर सकते हैं, एक्स सी अपॉन 3 माने 3 का इसमें डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस सी अपॉन 3। पॉजिटिव में लिखना है तो इसको इधर भी ले आ सकते हैं, एक्स अपॉन वाई को। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में ले सकते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको अब होमोजीनियस फंक्शन की मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बहुत स्टूडेंट तो इतने होशियार होते हैं कि बहुत सारे बिना क्वेश्चन बिना बताए ही वो अपनी एक्सरसाइज स्वयं लगा लेते हैं, बस बेसिक चीज थोड़ा सा समझते हैं। तो यदि ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई है तो आप कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई होमोजीनियस का कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि
कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जब सेपरेबल फॉर्म में आते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं तो उस समय कठिनाई होती है। तो कठिनाई इसीलिए होती है कि स्टूडेंटों की प्रैक्टिस इंटीग्रेशन की कम होती है। जिनकी अच्छी इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन का बेस मजबूत है वो फिर तुरंत इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम और लेंगे, है ना। आज लेक्चर ही बहुत हो गया आपको बेसिक चीज, अगले टर्म में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन अभी एक अभी बताते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लेते हैं। ये देखिए वीडियो नहीं दिख रहा था तो हम थोड़ा कैमरा भी घुमा देते हैं। ये था क्वेश्चन इधर का, ये इस तरह से ये है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, अब देखिए स्टूडेंट ये अगला क्वेश्चन भी है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको चेक करना तो ऑलरेडी से बता दिए थे कि x के स्थान पे लैम्डा x, y के स्थान पे लैम्डा y पुट करके आप लैम्डा की डिग्री चेक कर लीजिए। यदि सेम है तो होमोजीनियस है, यदि लैम्डा कैंसिल हो गया तो भी होमोजीनियस। अधिकांश केसों में लैम्डा की वैल्यू कैंसिल ही हो जाती है। तो ये तो होमोजीनियस है ना, चेक करके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको सिंप्लीफाई के लिए पुट y बराबर vx, इसको एंड v इक्वल टू y अपॉन x रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लिए तो ये आया dy dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। ये दोनों वैल्यू यहां रख देंगे, y के स्थान पे ये रखेंगे और dy dx के स्थान पे ये रखेंगे, है ना, इस इक्वेशन में। तो dy dx के स्थान पे हम ये रख रहे हैं और y के स्थान पे यहाँ ये जैसे xy y का स्थान ये है तो यहाँ, तो y जहां जहां हो, ध्यान रखिए ये सिंबल गलत माना जाएगा, y जहां जहां हो मतलब कि दो जगह पे है, मतलब यहां और यहां, इन्हीं दोनों स्थान पे y की वैल्यू रख देंगे vx। तो v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x vx प्लस 4 vx का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये आया एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर वी प्लस 4 वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए ऊपर न्यूमरेटर से तो 1 प्लस 5 भी प्लस 4 भी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, भी उधर ले गए तो एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 5 भी प्लस 4 भी स्क्वायर, ये प्लस भी है तो उधर गया तो माइनस भी, तो आपका ये आया डी वी अपॉन डी एक्स 4 भी स्क्वायर प्लस 4 भी प्लस 1, ये आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायरिंग बन रहा है, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 भी प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस वैल्यू को। अब ये देखिए ये तो हम सिंप्लीफाई कर लिए हैं, अब यहाँ पे सेपरेबल फॉर्म बना लेंगे, भी को एक साइड x को एक साइड, तो ये x तो ऑलरेडी एक साइड है, इसको उधर ले जाना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 भी प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन डी, है ना, डी भी इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा
का क्वेश्चन इक्वेशन को रिसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि dx और dv तो हमेशा इंटीग्रेशन में ऊपर ही होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं dx, है ना। इस वैल्यू को रिसिप्रोकल किए तो dx ऊपर हो गया, x नीचे, और इंटीग्रेशन भी कर लेंगे तो हो गया, नहीं कर रहे आगे हम लिख लेते हैं 1/2v+1 का होल स्क्वायर dv, इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन हम ले लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा 1/x dx 2v+1 का होल स्क्वायर है। ध्यान रखिए यदि होल स्क्वायर बन रहा है तो हमेशा x के समान काम कर सकता है, x की पावर n बाई 2 लगती है dv। अब इसका तो लॉग x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2v+1 -1/-1, है ना। इसका x यदि इसको मानेंगे तो ये आएगा। अब x के साथ जो कोफिशियंट हो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है तो ये 2 हो जाएगा, इंटीग्रेट हो गया क्वेश्चन आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस 1/2 2v+1, ये आ गया प्लस c। ये तो इतना तो हम लोग कर लिए, अब हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया है तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं भी की, है ना। इंटीग्रेट हो गया तो भी की वैल्यू, क्योंकि भी बराबर y/x होता है तो log x इक्वल टू 1/2 2, भी के स्थान पे हमने क्या रख दिया y/x+1 प्लस c, तो ये आ जाएगा log x इक्वल टू -1/2 2y+x, है ना। एलसीएम लिए तो x आएगा, फिर एलसीएम रिसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा c। तो आपका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमने कांस्टेंट नंबर जो है, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो हम कांस्टेंट नंबर या आर्बिट्री फंक्शन जरूरत के अनुसार यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, तो हमने अपना आर्बिट्री फंक्शन से इधर ले लिया है। आप बुक देखेंगे तो आर्बिट्री फंक्शन इधर की ओर लिया है, log x प्लस c कर लिया, तो यहाँ आप कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको आर्बिट्री फंक्शन एक ही साइड लेना है, चाहे इधर की ओर लीजिए चाहे इधर की ओर लीजिए, है ना। तो आपकी मर्जी है यदि इसको लिखने का, तो आप इसको log x प्लस c इक्वल टू ये लिख सकते हैं, यदि आर्बिट्री यहाँ लिए हैं तो यही आएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एक बार ये वीडियो हम फिर से आपको दिखा लेते हैं, ऊपर ये देखिए है और ये है पूरा क्वेश्चन, आपको अब दिख रहा होगा। ओके।